इतनी तकलीफ लोगों को शायद गर्मियों से नहीं होती होगी जितनी परेशानी उन्हें गर्मियों के मौसम में बिजली कट से होती है। अगर कुछ घंटे बिजली कट लगे तो ये बात समझी भी जा सकती है, लेकिन पूरा पूरा दिन बिजली ना होना मानो भारी परेशानी। चरखी दादरी के छपरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बिजली की वजह से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर पर ही ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, ताला लगाने के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है। पूर्व पार्षद कृष्णा छापर के मुताबिक गांव में बिजली के बार बार कट लग रहे हैं, जिसके चलते गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी गाँव में बिजली की समस्या बनी हुई है। ये ताला जी हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हमें बिजली नहीं आती। सुबह 6 बजे बिजली को का कट लगाते हैं और शाम को 6 बजे बिजली आती है। 6 से 8 आती है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 11, सुबह फिर 6 बजे कट जाती है। तो रात का टाइम है इसलिए है ना, और पूरा दिन बिजली आती नहीं, इसलिए सारा गांव बिजली से परेशान है। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने इस बिजली घर का ताला। बिल्कुल, एक मिनट भी बिजली नहीं आ रही, रात के टाइम में भी कट रहते हैं और कम बिजली आवाज़ गांव काफ़ी परेशान हो रहा है। इतना बिजली की भारी कमी के कारण नान की वजह से गरीब आदमी को काफ़ी तंग है, इस वजह से ये ताला लगाया गया। तब आगे समाधान होगा, ऑफिसर या सरकार कुछ समाधान करेगी, बिजली के बारे में सुधार करेगी तब तक। अब आप परेशान ग्रामीणों की तकलीफों को समझ ही सकते होंगे। गर्मी के मौसम में अगर बिजली कट लग जाए तो वो भी पूरा पूरा दिन, तो इससे ग्रामीणों की क्या हालत होती होगी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परेशान होकर उन्हें मजबूरन बिजली विभाग के दफ्तर पर ताला लगाना पड़ा। चरखी दादरी से नरेंद्र मंडोला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।